दोस्तों, पूरे साल तो सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरे साल की पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम से एक दिन पहले की पढ़ाई। आखिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करते हो? देखिए, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने बैठे हो तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो, तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका दूंगा जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप इस ब्रह्मास्त्र के जरिए एक दिन पढ़कर एग्ज़ाम में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ कर के एग्ज़ाम में बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये पता करना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। बस आपको उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। इसलिए आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो, उन्हीं को अच्छे से पढ़ाई करो। और कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा आपके पुराने पेपर से। आप पुराने पेपर को देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जो अगली बात है वो है आपको ग्रुप स्टडी करनी है। देखिए, ग्रुप स्टडी करने का यह फ़ायदा होता है कि आपके कम समय में बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप सिलेबस को डिवाइड कर लेना कि कुछ टॉपिक्स अपने दोस्तों को दे देना और कुछ टॉपिक्स आप खुद रख लेना। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और हमें सुनी सुनाई बातें ज़्यादा याद रहती है। बस आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है, अच्छे से अपने आंसर को लिखना है। और ग्रुप में कोशिश करना कि सिर्फ 2 से 3 लोग ही हो, ज़्यादा लोग होने से डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। जो अगली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका सेल्फ बिलीव और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप निश्चित ही एक दिन में अच्छा कर सकते हो, और वहीं अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहेगा तो आप पूरे साल पढ़ाई करके भी एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते हो। इसलिए बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखना है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ। तो देखना, आप निश्चित एग्जाम में अच्छा करोगे। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, और आपको ये याद करने की कोशिश करना है कि आपने इस क्वेश्चन को कहाँ पढ़ा था, कहाँ देखा था। इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। बस आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है। और इस बार तो आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव है, तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन देखकर भी जरूर कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। बस आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहना है और पूरे संयम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिक थी कि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।